नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दतिया से आ रही है, बदमाश बेखौफ है। शुगर मिल के बाहर फायरिंग की है बदमाशों ने। कुछ लोगों को नौकरी से निकालने पर फायरिंग की। तो ये पूरी करतूत बदमाशों की सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। कुछ लोगों को नौकरी से निकालने पर फायरिंग की गई। बदमाशों की करतूत ये पूरी सीसीटीवी में कैद हुई। बड़ौनी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शुगर मिल के बाहर फायरिंग की खबर मिल रही है। बदमाशों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। तो कुछ लोगों को नौकरी से निकालने पर कहीं ना कहीं आक्रोश इनका, और ये इन्होंने दिखाया फायरिंग की शुगर मिल के बाहर। ये फायरिंग हुई है, तस्वीर आपके सामने। पूरा ये घटनाक्रम जो है, वाकया है, सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। ये आता है युवक और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कई सारे लोग बाहर हैं वहां पर, और सब दौड़कर अपनी जान बचाते हैं, अंदर भागते हैं और गेट बंद कर लेते हैं, पर युवक जो है भागता हुआ जाता है, फायरिंग करता है। ये तस्वीर दतिया की इस वक्त आप देख रहे हैं, शुगर मिल के बाहर की तस्वीरें हैं। भागकर जो वहां पर लोग मौजूद रहते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, पर ये युवक नहीं मानता, भागता दौड़ता जाता है बंदूक लिए और फायरिंग करना शुरू कर देता है। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, और इस फुटेज के जरिए आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पर गुंडाई बदमाशी देखने को मिली है। शुगर मिल के बाहर फायरिंग का ये पूरा मामला सामने आया है। फिलहाल ये वीडियो भी सामने आ चुका है। देखिए, आपको वीडियो दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर फायरिंग कर रहे कुछ बदमाश, और नौकरी से निकालने के बाद गुस्से में ये नजर आते हैं। अशोक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी आपके पास इस मामले में, क्या कार्रवाई की गई है अब तक? देखिए, अभी इसमें कार्रवाई कोई नहीं हुई है, लेकिन जैसे ये पुलिस को भी सीसीटीवी फुटेज मिला है, उसके बाद पुलिस ने उसको चिन्हित करने का प्रयास किया है। और इस मामले में अभी सुबह रिपोर्ट भी जो मिल मालिक है उन्होंने दर्ज करवाई है। लेकिन ये ऋतु घटना बहुत चिंताजनक है। ये एक सप्ताह में ऐसी दूसरी घटना है जब बदमाश पूरी तरह से बेखौफ दिख रहे हैं, और ये दोनों घटनाएं दुर्भाग्य से बड़ौनी क्षेत्र की है। एक हाईवे पर घटना हुई थी, वहां पर जो 5 लोग घायल हुए थे उसमें 2 की मौत हो चुकी है। बस इतना कह सकते हैं, इत्तफाक ऐसा था कि किसी को ये गोली नहीं लगी और ये बड़ी दुर्घटना चल गई। जी, और बदस्तूर ऐसी तस्वीरें अगर जारी हैं, आ रही हैं, और बदमाशों का आतंक किसी तरह है, तो आखिर किस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, दावों पर कैसे अमल होगा? ये वाकई बहुत बड़ी बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए, अशोक। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। भोपाल में अवैध बाल गृह के खुलासे के बाद एक्शन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव।